मैच जीत गए वो अफगानिस्तान मैच जीत गए विकेट दे टेक इन द लास्ट विकेट अफगानिस्तान इज वन द मैच एंड दे आर इनटू द सेमी फाइनल तो भाई कैसा लगा हमारा मजा क्या के बांग्लादेश स्पॉयलर्स का किरदार अदा था दे वर नेवर इन द मैच दे नेवर वांटेड टू क्वालीफाई

टाटा बाय बाय टू ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की बुजदिली अफगानिस्तान की बहादुरी और ऑस्ट्रेलिया वाले वे भी कोने में से देख रहे होंगे कि भाई हमारा चांस बन गया हमारा चांस बन गया बट नहीं ये अफगानिस्तान के बहादुर बेटे ये पहाड़ों के बेटे राशिद इज अ चैंपियन चैंपियन नवीन इज अ चैंपियन जा चैंपियन गुरबाज गुर्बा, इज अ चैंपियन चैंपियन दिस इज एन एब्सोल्युटली फेयरी टेल स्टोरी फॉर अफगानिस्तान कमिंग्स का कह रहा था इंटरव्यू में कह रहा था कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया तो जाएगी बाकी तीन जो मर्जी हो तो ऑस्ट्रेलिया घर जाएगी क्या कप्तानी की राशिद ने क्या फेयरलेस एटीट्यूड के साथ अफगानिस्तान लड़ी हेलो फ्रेंड्स जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों वेस्ट इंडीज के सेंट स्टेडियम में खान की कप्तानी में अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का सामना साउथ अफ्रीका से होगा अफगानिस्तान की जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई कंगारू टीम कम रन रेट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया गुरबाज के 43 रन की पारी की, की पारी में में विकेट लेकर टीम को ऑल आउट कर दिया 54 रन बनाने वाले एक छोर पर खड़े रह गए और दूसरी ओर से विकेट गिरते गए अब पहली बार अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है जैसे ही अफगानिस्तान की टीम ने आखिरी विकेट चटकाया अफगानिस्तान के साथ साथ पूरा भारत चूम उठा अफगानिस्तान यू ब्यूटी वॉट अ गेम हालांकि शाम साढ़े आठ बजे हमारे शाम साढ़े आठ बजे स्टार्ट हुआ था रात का एक बज चुका है एक बच्चे सात बजे

रजवान के हाथ में मोबाइल और वो गेम चलता रहे एक भी बॉल नहीं मिस आउट होनी चाहिए व्हाट अ ब्यूटी व्हाट अ विन दिस इज एन एब्सोलूटली फेरी टेल स्टोरी फॉर अफगानिस्तान थैंक यू अफगानिस्तान फॉर मेकिंग अस फॉल इन

जो तो ब्रेवरी के साथ जो स्पिरिट के साथ जिस यूनिटी के साथ मुकाबला किया है वो डिजर्व करते हैं कि वो आगे जाते और आगे जाके वो अपना भी सर फखर से बुलंद करते ना अपने घर में मैदान था ना अपने घर में क्रिकेट थी ना कोई लीग थी ना कोई पैसे थे लेकिन एक चीज थी वो जज्बा था वो यकीन था वो भरोसा था कि हम दुनिया के टॉप पोडियम पे एक दिन खड़े होंगे और आज दो के अंदर वो मौका आ गया कि अफगानिस्तान ने

कुछ लोग समझ रहे हैं कि मोहसिन अली रात कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे तो ओ भाई बात सुने मैं एमोशनल। एमोशनल हूं इमोशनल बिल्कुल हूँ इमोशनल इमोशनली अटैच होता हूँ क्योंकि मैं हूं ही ऐसा लेकिन ये आपकी गलत है कि मोहसिन अली जो है परेशान हो जाता है घबरा जाता है ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अपना काम इतनी मेरा जमीर मुतमिन होना चाहिए ये सुबह पांच बजे उठ के मैच देखना खाला जी का घर नहीं बॉल टू बॉल जो है साथ चलना खाला जी का घर नहीं ये बहुत बड़ी बात चाहिए इसके लिए दिल चाहिए राशिद खान नवीन दोनों हीरो है, दोनो है। हैं दोनों चैम्पियन है चैम्पियन 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 चैंपियन, हैं। चैंपियन, हैं। चैंपियन, चैंपियन चैंपियन और भाई पाकिस्तान की फिक्र ना करें यहां पे उस राम खोर का नाम ना लिखे हर हलाली को मुबारकबाद अफगानिस्तान की जीत दो घटिया लोगों को छोड़ के और बाय बाय ऑस्ट्रेलिया रात को ही कह दिया था बाय 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 और कमिन्स क्या कह रहा था ये देखें गरूर का सर नीचा तकबर टूट जाता है मिट जाता है कमिंस का कह रहा था इंटरव्यू में कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो जाएगी बाकी तीन जो मर्जी हो तो ऑस्ट्रेलिया घर जाएगी आपसे कहा था कि इनमें से एक टीम मुझे लग रहा है फायर हो जाएगी हाँ भाई दुबई में बाथरूम साफ करने वाली सरकार आप क्या कहेगा अच्छा देखिये कितना जुल्म है कि सुपर एट में भी अफगानिस्तान और इंग्लैंड वो नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक ही ग्रुप में हो ऑफ टू अफगानिस्तान